जैन दोस्तों, तो आज मैं आया हूँ नारगढ़ फोर्ट, जहाँ से पूरा जयपुर दिखता है। तो ये देखो पूरा पीछे का जयपुर का जो व्यू आ रहा है, एकदम कितना प्यारा लग रहा है, एकदम बिल्कुल शानदार पूरा जयपुर दिखाई दे रहा है। जो लाइट आ रही है एकदम शानदार तरीके से। और आज भी मेरे साथ हर बार की तरह कौन है वो देख लो आप, अक्षर भाई। अरे आगे तो दिख नहीं रहा है। आ गया। और ये हमारा नया मित्र। हेलो गाइस। भाई नाम तो बता यार। हिमांशु यार गाइस। ओके, तो अभी तो बस यही है, आज के लिए इतना ही है, आज ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे। बाकी अभी देखते हैं, कहीं शायद पानी बताशे खाने का प्लान है तो उस उधर भी जा सकते हैं। लेकिन जो ये नज़ारा देख के ना दिल खुश हो गया, मतलब ऊपर चंदा मामा भी है और पीछे पूरा ये जयपुर, आधा जयपुर है वैसे, आधा जयपुर इसके जस्ट अपोजिट साइड है, पर मज़ा आ गया। दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, अरे इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या। हेलो गाइस, ये सरकार टूरिंग है। अगर आपको डांसिंग गोल गप्पे खा रहे हैं तो आप इसके सामने खा सकते हैं। देखो अंकल खिला रहे हैं। मैंने जयपुर के लोकल लोगों से डांसिंग गोलगप्पों के बारे में बहुत सुना था, तो मैं भी यहाँ आ गया ट्राई करने के लिए। लेकिन ये डांसिंग कम अंकल को ऐसा लग रहा था देख के जैसे इनको बवासीर हो रखी है, लेकिन खैर कोई ना, इंसान है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ बड़ी फेमस है, DSP और SP। SP मतलब स्पाइसी और DSP मीन्स डबल स्पाइसी। तो मैंने वो ट्राई किया डबल स्पाइसी, जिसमें मिर्च थोड़ी ज़्यादा थी, बाकी टेस्ट इतना कोई खास नहीं लगा मुझे, पर खैर कोई नहीं, बहुत फेमस थे तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। लेकिन भीड़ तो सही में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 10 बज रही थी फिर भी भीड़ लाइन लगी हुई थी यहाँ पे इतनी ज़्यादा, वो भी सिर्फ खाली इनके डांस को लेके, जो कि ये थोड़ा बस अपने पैर को ऊपर नीचे करते रहते हैं खड़े खड़े और खिलाते रहते हैं, दैट्स इट, और कुछ खास नहीं। भाई DSP के बाद कैसा रहा? खत्म, बस हवा निकल गई। तो यहाँ पे DSP का मतलब डबल स्पाइसी है, मींस डबल स्पाइसी इन द सेंस लाइक उसमें मिर्च ज़्यादा होती है तो मुँह एकदम जल जाता है। लेकिन वो भैया को देखा ही होगा डांस करते करते खिलाते, तो भीड़ कितनी थी। फिर इसके बाद हम लोग आ गए बजाज नगर के अंदर चौपाटी में, जहाँ के डोसा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसका जो रेट है वो 50 रुपये का एक डोसा मिलता है, जो मतलब रेट भी एकदम सही है, और जो बनाता है स्वाद वो भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मतलब बहुत टेस्टी डोसा था। तो हमने ये डोसा ट्राई किया क्योंकि मिर्ची बहुत लग रही थी DSP खाने के बाद, तो हमने सोचा चलो डोसा खाते हैं। लेकिन ये डोसा खा के हमारा सेम दिल खुश हो गया, क्योंकि बहुत शानदार डोसा बनाते हैं, इनके पास अलग अलग वैराइटीज़ है, कम से कम 10 तरीके की वैराइटीज़ बनाते हैं ये, चीनी डोसा और पनीर डोसा एंड बहुत सारे डोसा है। तो आओ और ये भी ट्राई करो, ये बहुत बढ़िया जगह है। अक्षर भाई यार ऐसे मुंह छुपा के क्यों खा रहा है यार, इधर तो देख। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ठीक है अक्षर भैया, कल सुबह मिलते हैं ट्रैक पे, है ना? ओके। बाकी डोसा कैसा लगा यहाँ का? बढ़िया लगा, बिल्कुल मजा आ गया। DSP जैसा मजा तो नहीं आया। मैं एक बार फिर से आप लोगों को राय देना चाहूँगा, कृपया गुरुवेश गर्ल की बातों पर ना आए, यह आपका खुद का ही फायदा है, आप इनकी बातों पर ना आए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बंद कर दो यार, और कितनी बनाओगे? अरे बस यार, चल ठीक है भाई। तो फाइनली डांसिंग पानी बताशे और डोसा खाने के बाद अब हम लोग अब अपने घर निकल चुके हैं। अब मैं भी अपने घर निकलूँगा क्योंकि मॉर्निंग में सुबह ट्रैक पे भी जाना है। तो अब मिलते हैं कल, क्योंकि ट्रैक कल जो है नई जगह है, नई लोकेशन है, पता नहीं कौन सी नई लोकेशन है, वो तो कल ही पता चलेगा आने वाले व्लॉग के अंदर। तो बने रहिए और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें और भटके मुसाफिर के साथ जुड़ते रहें। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो नीचे ब्लॉग में भी बता सकते हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।